आइए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं राइटर्स नेम। राइटर्स नेम आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का पूछा जाता है। जो भी स्टूडेंट 12वीं का तैयारी करते हैं, 12th क्लास में है, उनका फैकल्टी अगर आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, तीनों में से कोई भी फैकल्टी हो, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 मार्क्स का राइटर्स नेम पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में, तो आप इसको अवश्य याद कर ले। अच्छा, एक बात और बता दें आपको कि राइटर्स नेम जो 2 सेक्शन से पूछा जाता है, जैसे एक प्रोज सेक्शन से और एक पोइट्री सेक्शन से। प्रोज सेक्शन का मतलब होता है स्टोरी और पोइट्री सेक्शन का मतलब होता है पोएम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग प्रोज कंप्लीट करेंगे और फिर पोइट्री कंप्लीट करेंगे। टोटल 21 राइटर्स के नेम हम आपको याद करवाने वाले हैं और आप याद करने का कोशिश करें। आप इसको देख करके अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए पिंच ऑफ स्नफ। तो ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई हैव अ ड्रीम। तो आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये JR का मतलब जूनियर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइडियाज डैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये लिखा गया है बर्ट्रांड रसेल के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा द आर्टिस्ट। तो द आर्टिस्ट सीगा नैया के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा ए चाइल्ड इज बॉर्न। तो ए चाइल्ड इज बॉर्न जर्मेन ग्रीर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा हाउ फ्री इज द प्रेस। तो हाउ फ्री इज द प्रेस ड्रोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा द अर्थ। तो द अर्थ HE बेट्स के द्वारा लिखा गया, आप याद करते रहें। नेक्स्ट है हमारा इंडिया थ्रो ट्रेवल्स आई, ये PL S बक के द्वारा लिखा गया है। और प्रोज का लास्ट है हमारा ए मैरिज प्रपोजल, ये आपको लिखा गया है एंटन चेखव के द्वारा। तो चलिए ये हमारा प्रोज सेक्शन से था, टोटल 11। अब आगे हम कंप्लीट करेंगे पोइट्री सेक्शन से। पोइट्री सेक्शन का देखते हैं। पोइट्री सेक्शन से आपको टोटल 5 पूछा जाएगा, 5 मार्क्स का जो कि आपको कॉलम करके रहेगा, मैच करने में रहेगा, सेक्शन B में रहेगा। आप देखिएगा अगर आपके पास क्वेश्चन है इस साल का तो आप देख लीजिएगा, मैच करने में सेक्शन B में रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो। तो स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट आपको WH ओडेन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा टू ऑटम। तो टू ऑटम जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है एन एपिटैप। तो एन एपिटैप आपको वाल्टर डीला मेयर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द सोल्जर। तो द सोल्जर आपको रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट TS Eliot के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है फायर हीम। तो फायर हीम जो है आपको वो KKN दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा स्नेक। स्नेक आपको DH Lawrence के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास के द्वारा लिखा गया है। टोटल 21 राइटर्स नेम है, आप सभी को अच्छे से याद कर ले और कॉपी पे नोट डाउन कर ले। ये आपको आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का टोटल पूछा ही जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर ले और एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन बनाएं।
अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।